बैठने के बाद ऐसे लगता है जैसे ट्रक में बैठकर मजा आ जाए मतलब सर आप ऐसे समझ लो जैसे अलग ही फीलिंग है बैठने की पूरी फैमिली जाती है मेरी पांच लोगों की फैमिली है भर हाँ। के जाता है और अच्छा। अगर लड़के लड़के भी जाते हैं तो छह सात आराम से बैठ के चले जाते हैं जैसलमेर भी लेके गया हूँ तो तो हिमाचल वगैरह भी कई जगह अंदर काफी डीप गया ऐसे समझ लो जैसे दब ली थी वही आज है मतलब उतना मजा नहीं दे रही है वैसे अभी अरे मैं अंदर देख के मेरी हालत खराब हो गई थी सला मुझे लगा आज गई एक खम्भे में लगी थी बिजली के में इसकी जगह कोई और गाड़ी होती ना हेलो दोस्तों तो भाई आज मैं लेके आऊँ आपके लिए टाटा हैक्सा और ये गाड़ी आई है आज हमारे पास ओनरशिप रिव्यू के लिए और भाई चैनल पे मेरे पहली गाड़ी है हैक्सा जिसका मैं रिव्यू कर रहा हूँ और इसके ओनर भी हमारे साथ हैं तो इस गाड़ी के बारे में काफ़ी सारी बातें आज जानेंगे मतलब कैसी ये गाड़ी है क्या परफॉर्मेंस है परफॉर्मेंस है इसकी और कितने किलोमीटर ये ओनर ने चला ली है और कितने सेटिस्फाइड है वो इस गाड़ी से और कितने अनसेटिस्फाइड है और क्या इस गाड़ी में उन्हें अच्छा लगता है और क्या बुरा लगता है तो चलिए ओनर से ही जानते हैं बाकी गाड़ी भाई अब तो ये डिसकंटिन्यू कर दिया अब तो सफारी और हैरियर का ही जमाना आ गया है बाकी अब चलते हैं सीधा इसके ओनर के पास और उनसे बात करते हैं बाकी की तो ये है भाई इसके ओनर गाड़ी के अभिषेक भाई सबसे पहले तो वेलकम भाई कैसे हो बहुत बढ़िया आप बस बढ़िया अच्छा अभिषेक भाई सबसे पहला क्वेश्चन की आपने ये कब परचेज की थी गाड़ी दो हजार ओके तो अब तो ये गाड़ी डिसकंटिन्यू हो गई है है ना और बाकी अच्छा जैसे उस टाइम पे आपने गाड़ी ली थी तो और भी गाड़ियाँ सर्च की होंगी इस, इस सेगमेंट की कौन कौन सी इनोवा इनोवा और एक्सयूवी 700 एक्सयूवी एक्स यू सेवन हंड्रेड आ, आ गई थी तब सॉरी और, ना? ना? हाँ, और और एक वो अपनी क्या कहते हैं टाटा की सॉरी इसकी अपनी महिंद्रा की थी वो स्कॉर्पियो अच्छा स्कॉर्पियो हाँ. तो यही क्यों फिर पसंद आई आपको बैठने के बाद ऐसे लगता है जैसे ट्रक में बैठकर मजा आ जाए मतलब सर ऐसे समझ लो जैसे अलग ही फीलिंग है बैठने के बाद अच्छा अलग ही फीलिंग है, फीलिंग है बैठने ओके भाई देखो टाटा हेक्सा के बारे में ना मैं भी ज्यादा उत्सुक हूँ जानने के लिए क्योंकि मैंने भी इस गाड़ी का कोई रिव्यू भी नहीं किया है और कोई ओनरशिप मतलब कोई ओनर तक लेके नहीं आया तो भैया ही हमारे पास आए हैं तो इनसे जानूंगा मैं भी काफी सारी बातें जैसे आप जानोगे ना तो उसी के साथ साथ मैं भी इसके बारे में काफी चीजें जानूंगा अच्छा अभिषेक भाई कितना किलोमीटर चला दिया आपने 85, 000. 85, 000 चला दिया है। मतलब ये साल में आपने काफी डीप गया हूँ अच्छा ओके तो अब जैसे मैं इसकी प्राइस की बात करूँ कितने में पड़ी थी आपको है? उस समय पड़ी थी मुझे पौने अठारह के करीब पड़ी थी पौने अठारह मतलब सत्रह पचहत्तर के ही आपको ओके तो ये कौन सा वेरिएंट है इसका टॉप से नीचे वाला है टॉप से नीचे वाला है तो यार इस प्राइस रेंज में तो ठीक है जैसे सेवन सीटर है ना ये ओके तो चलिए बाकी की बातें अंदर बैठ के करेंगे और एक बार मैं गाड़ी का वो कराउंड आपको दे देता हूँ और उसके बाद अंदर बैठते हैं और इंटीरियर वगैरह देखेंगे इसका और स्पेसिफिकेशन जानेंगे कैसी है और भैया से जैसे बातें तो करने वाले हैं कि कैसी गाड़ी है और क्या परफॉर्मेंस है इस गाड़ी की और कितनी उन्हें ये पसंद आती है तो चलिए अब सीधा चलते हैं अंदर और गाड़ी के अंदर बैठ के बातें करते हैं आ जाओ अभिषेक भाई तो भाई सबसे पहले गाड़ी देख लो देखो भाई हाई ग्राउंड क्लियरेंस है सेवन सीटर है तो एक एसयूवी गाड़ी है और देखो अंदर कंप्लीट ब्लैक थीम दे दिया ये देख लो कोई डुअल टोन नहीं है बस यहाँ पे थोड़ा सा ये मुझे लग रहा है मेटल ग्रे कलर का ये क्रोम का, का काम है बाकी तो सब सारा ना ट्रिम पे देख लो और यहाँ अंदर देख लो सारा ब्लैक थीम है और सीट कवर वगैरह भैया आपने बाहर से लगवाए थे इसमें ये मैंने हाँ, बाहर से देख कराया ओके ये बाहर से काम कराया तो बाहर से इसमें ज्यादा कुछ काम तो कराया नहीं आपने सिर्फ सीट कवर ओके सारा स्टॉक है जो भी है ठीक है चलिए एक बार अंदर बैठते हैं और अंदर बातें करते हैं तो अभिषेक भाई जैसे आपने ये पिचासी चला लिया है ठीक है उस बेस पे इसका आ, क्या परफॉर्मेंस है गाड़ी के, अगर की अगर ओवरऑल की मैं बात करूँ तो ऐसे समझ लो जैसे दबली थी वो ही अच्छा मतलब नई का फी दे रही है गाड़ी अच्छा ऐसा कुछ नहीं है कभी पिचासी हजार चलने के बाद तो गाड़ी काफी दब जाती है एक तरह से है ना ओके और इंजन की क्या परफॉर्मेंस है

हैेक्सा खड़ी कर दू जैसे मान लो है तो आप तीनों में से कौन सा चूज करोक्सा चूज करोगे भाई हेक्सा से भैया को ज्यादा प्यार और जैसे मैं अभी भैया के साथ आ रहा था ना तो इसकी मैं पूछा था कुछ कमियां लगती है भैया कह रहे हैं मुझे आज तक इसमें कोई कमी तो नहीं लगी तो नेगेटिव पॉइंट पता नहीं भैया बताएंगे नहीं बताएंगे वो बाद में बात करेंगे मेरे हिसाब से कोई नेगेटिव है नहीं तो आपके हिसाब से कोई नेगेटिव है नहीं सारे पॉजिटिव देखो स्टेयरिंग आपको मिल जाता कुछ अलग सा स्टेरिंग है इसका बाकी स्टेरिंग जैसे टाटा की गाड़िया है ये मुझे लग रहा है सफारी का थोड़ा सा लुक है जो पुरानी सफारी आती थी स्टेरिंग एयर आई थी ना एक उसकी उस टाइप से उस टाइप से है ना और बाकी जैसे अच्छा बैठने में जैसे सेवन, आप ट्रिप की बात कर रहे हो तो सात बंदे गए हो या फिर, फिर हाँ। अच्छा। लड़के -लड़के तो ठीक अच्छा, है तो भाई देखो सत्रह अठारह लाख में बहुत बढ़िया गाड़ी है क्योंकि इनोवा अच्छा इनोवा से अगर कम्पेयर करूँ तो क्योंकि इनोवा देखो भाई आज तक मुझे कोई ऐसा बंदा मिला नहीं है जो इनोवा का ये दे हैं ये गाड़ी बेकार है इनोवा में उनके लिए ठीक है हाँ हाँ मगर ड्राइवर के लिए थोड़ा सा ऐसा रहता है जैसे के बैठ गया हो थोड़ा अच्छा सा। ऐसा लगता है ड्राइवर के लिए वाकई जैसे ड्राइवर ही हो हाँ, है ना ड्राइवर हाँ, वाली फीलिंग आती, आती है हाँ, अब इसमें चलाने में वो नहीं आती अच्छा एक चीज और देखिए मैंने इसमें जो मुझे निगेटिव लगाया देखो और किसी को लगने लगे जैसे इतनी बड़ी गाड़ी है एस गाड़ी है सेवन सीटर है इसमें ना बोनट की विजिबिलिटी उतनी नहीं है उसके लिए नहीं है अगर हम सीट एडजस्ट करके करें हाँ। तो चलाने मतलब आप कहना चाह रहे हो जैसे इसमें हाइट एडजस्ट कर लेते हैं हम हाँ। सीट हाँ। की हाँ। तो आराम से बैठ सकता है बंदा ठीक है और म्यूजिक सिस्टम कैसा लगता है आपको इसका बहुत बढ़िया मैंने बाहर से कुछ नहीं कराया म्यूजिक मेरा आज भी ऐसे ही है भाई ऐसा इसमें म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है आपको देखो कंट्रोल भी अच्छे दे दिए गए नीचे आपको ये किस चीज के लिए है ये वो जैसे अपना रफ चलानी है अच्छा ये रफ ड्राइविंग है ये कम्फर्ट है आजकल गाड़ियों में वही है ओके और ये ऑटो हाई ऑटो मतलब गड्ढा हो या प्लेन कहीं भी चला। अच्छा अपने आप ये हाँ। अपने हिसाब से चलते मैनुअल है।, हाँ। है और स्पीड स्पीड मैनुअल है हाँ। इसकी ओके तो भाई वेंट्स ये ब्लू वाला ये क्या सीन है ये तो मैंने अलग से थोड़ा सा ये लाइट है, है इसकी हाँ हाँ। ओके ये आपने दरवाजे पे भी कराई हुई है ठीक हाँ, है ये जल्दी है एक बार जला के दिखा दो जल्दी बस थोड़ा सा भी वो है ना अच्छा तो वैसे अच्छा वैसे। अच्छा मतलब उतना मजा नहीं दे रही है वैसे अभी है। हाँ, तो रात में ठीक लगती है अच्छा चलो एक और बात जैसे गाड़ी जैसे आपने इतनी चला ली है ठीक है आप ही ड्राइव करते हो या कोई और भी ड्राइवर आप ही ड्राइव करते हो तो इसमें कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो आपको ये लगते हो जैसे भाई ये वाला सिस्टम इसका यहाँ दे देना चाहिए था या ये वाले स्विच यहाँ दे देने चाहिए थे ऐसा कुछ लगता है या फिर सही तरीके से सा सारी चीजें दे, दे दी गई चीज एकदम तो परफेक्ट है कोई चीज ऐसी नहीं लगती इसमें कुछ कहीं अलग से यहाँ से वहाँ होना चाहिए वहाँ से वहाँ होना चाहिए ऐसा अच्छा ऐसा कुछ भी नहीं है ओके और टाटा की अगर जैसे बात करें हम डीलरशिप वगैरह और आफ्टर सेल सर्विस कैसी रही आपकी जैसे आपने सर्विस वगैरह सब कराई है बहुत बढ़िया बढ़िया रही है मन मत... कर देते हैं तो अपने आप अप गाड़ी भी ले जाते हैं वो हाँ। और या फिर अपने आप अप चले जाओ तो छोड़ के फिर वो अपने आप अप घर भी छोड़ देते हैं और ओके। बाद में सही सर्विस करा के गाड़ी घर दे जाते हैं ओके तो ऐसा कोई सीन नहीं है मतलब आपको सारी चीजें टाटा में बढ़िया लगे और टाटा पे आप ट्रस्ट कर सकते हो और देखो भाई अब जो चल रहा है जैसे दो में हम बैठे हैं और आज के टाइम में टाटा पे भाई वाकई ट्रस्टेबल है क्योंकि सेफ्टी अच्छी देती है टाटा जो मेन चीज है मैं बता रहा हूँ पीछे एक बार गलती से मुझ पर लग गई थी हाँ हाँ आपको दिखाता हूँ उधर के आइए आई है एक बार देखते हैं ये मैं बैक करते ओके okay. तो मेरी गाड़ी उस साइड में लगी कहां लगी ये, हाँ, ये लगी है ये थी ओके okay. एक खम्बे में लगी थी बिजली के में हाँ, अगर हाँ, इसकी जगह कोई और गाड़ी होती ना हाँ तो पिचक जाती पिचक जाती कितनी तेज लगी थी तो अरे मैं अंदर देख के मेरी हालत खराब हो गई होगी साला मुझे लगा आज गई उतर के देखा था बस ये निशान और हल्की सी लाइट चटकी हाँ भाई देखो टाटा के साथ आपका एक्सपीरियंस रहेगा क्योंकि अभी मेरे साथ भी इंसिडेंट हुआ मेरे पास पंच है और मैं टर्न ले रहा था और एक छोटा हाथी होते हैं ना उसने साइड मारी और मुझे लगा आज गाड़ी आगे से दब गई तो एक पीछे से किसी ने ठोकी थी लाके हाँ हाँ ये ओके पीछे से किसी ने बहुत तेज मारी थी ये टूट जो रहा है इसका ये, ये थोड़ा सा हुआ था हाँ हाँ हा। मतलब सेफ्टी तो अच्छी एक बार चलो इसका बूट स्पेस भी ओपन कर लेते हैं टेल गेट ओपन कर लो एक बार इसका बूट स्पेस चेक कराते हैं तो भाई देखो इंडियन सेवन सीटर में यही है अपना सेवन सीट मिल जाती है लेकिन उसके बाद आपको स्पेस नहीं मिलता है कुछ यहाँ की लाइट ऑन कर लेते हैं एक बार यहाँ पे कुछ स्पेस ज्यादा कुछ मिलता हाँ नहीं, नहीं, नहीं है है ना और बाकी ये एयर इन्फ्लेटर ये उसी के साथ आया था नहीं ये ये तो अलग से ये आपने अलग से हाँ। लिया है बाकी यहाँ पे मिल जाता है पार्सल ट्रे सॉरी टूल किट है इसकी टूल किट है चलो कोई नहीं रहने दीजिए और टायर वगैरह इसका आपको जो स्टप नहीं है वो नीचे देखने को मिल जाएगी ठीक है अच्छा सीट वगैरह जैसे इसकी फोल्ड करके मतलब ये है जैसे आपको जैसे करके दिखाई दीजिए एक बार सीट इसकी फोल्ड ठीक है तो अभी ये तो फ्लैट फोल्ड हो जाती है ना हाँ। ओके तो भाई तो सेम ऐसी फ्लैट फोल्ड हो जाएगी पूरी अगली है हाँ अगर तो 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 देखो भाई हाँ अगर दो बंदे हो ट्रिप पे जा रहे हो तो भाई हाँ। पूरा फ्लैट तो फोल्ड करो पूरा बेड बना लो पास एयर बैड अच्छा वो आपने लिया हुआ है जैसे आप बता रहे हो कि आपका लॉन्ग ट्रिप पे ज्यादा रहता है ना गाड़ियों का सीन ओके तो ऊपर देखो इंसुलेशन अच्छी मिल जाती है और भाई गाड़ी तो बढ़िया ही हैक्सा मुझे पता नहीं ये डिसकंटिन्यू क्यों कर दिया अच्छा आपको क्या लगता है क्यों डिसकंटिन्यू किया है इनको अपनी हैरियर उठानी थी नहीं, <laughs> नहीं, 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 नहीं। <laughs> हाँ भैया कह रहे इनको अपनी हैरियर उठानी तो ये सीन तो भाई थोड़ा बहुत मुझे भी समझ आ रहा है इनको अपनी हैरियर उठानी थी तो ये डिसकंटिन्यू कर दी। चार्जिंग पॉइंट है ओके पीछे ही थर्ड वाले के लिए थर्ड एसी है दोनों रो में हाँ हाँ यहाँ पे थर्ड तीसरी रॉकेट भाई यहाँ पे एसी वेंट्स मिल जाते हैं और ऊपर यहाँ पे कबिन लाइट मिल जाती है और ये अपना कुछ रखने के लिए अपना यहाँ पे भी, भी थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है तो बाकी अंधेरा तो हो गया है भाई थोड़ा बहुत मैं जैसे जितना पॉसिबल हो रहा है उतना दिखा रहा हूँ बैठने के लिए इसमें लेग स्पेस भी ठीक ठाक है लेग रूम स्पेस मतलब थर्ड रो वाला हाँ यही मैं पूछने जा रहा था जैसे सेकंड रो तो अच्छा होता है ठीक है थर्ड रो बी थर्ड रो ये बी सेकंड रो वाली भी सीट एडजस्टेबल है आगे पीछे हो जाती है अच्छा इसे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो ओके ये अच्छी चीज है और इसमें ना जैसे मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या मिल जाता है इसमें अब जैसे भैया बता रहे ना ये सिक्सटी फोर्टी का रेशियो है सीट का ठीक है अब इसे जैसे, जैसे हम प्रेस करेंगे ना ये हो गई है भाई डाउन ऐसे ही ये हो जाती है और ये आगे ये आगे पीछे आगे भी, भी हो जाती है आगे पीछे भी हो जाएगी और, और ये और भी डाउन हो जाएगी अच्छा और भी डाउन होगी ना जैसे हाँ, बैठने के लिए दोनों भी ये अगर मैं पूरी उठा के हाँ हाँ पूरी यहाँ से भी वहाँ से भी पूरा अच्छा कम्पलीट फोल्ड हो जाती है तो ये अच्छी बात है भाई और वैसे मोस्ट ऑफ द कार में क्या होता है ना ये वाला पार्ट हो जाता है उधर का नहीं होता है इसमें कम्प्लीट हो जाता है ठीक है और इसमें एक सबसे प्यारी चीज लगती है क्या ये लाइट है यहाँ पे लाइटें हैं अच्छा अच्छा इसमें सेवन कलर लाइट है हाँ। अगर हम कहीं वैसे भी जाए ना और म्यूजिक बजा बजाएगा ऐसे लगता है डिस्को वाली लाइट अच्छा मतलब म्यूजिक तो के हिसाब से चलती है ना हाँ। जैसे ये वाली लाइट ये, बता ये, रहे हैं भैया ये, है, ये हाँ। इसमें सेवन कलर है ओके ठीक है वो हमारे यहीं से इसी से भी सिस्टम अच्छा मतलब सिस्टम से आप इसे सेट कर सकते हो सिस्टम से कर सकते हैं मैं आप दिखाता हूँ आपको ओके ये मूड लाइटिंग है हाँ ओके ये अब हम ये ऑटो पे की हुई है, अच्छा, है इसमें येलो है वायलट है रेड है मतलब सात कलर है इसमें ओके तो इन्हें आप किसी भी हिसाब से एक बार चेंज नहीं करके, नहीं करके नहीं। दिखाना जरा अच्छा आप देखो भाई ये कर दिया भैया ने रेड तो यहाँ पे रेड हो गई है ठीक है अब ये वायलेट हो गई है ये हो गई है तो भाई ये अच्छा सीन है

उज मैंने गाड़ी के साथ जो टायर आए वही मेरे गाड़ी के साथ के वाले चले अच्छा मतलब आपने अस्सी बयासी हजार ये वही स्टॉक टायर चलाए हैं श्टोक चला उसके बाद आप चेंज कराए चेंज कराए कर भाई गाड़ी की परफॉर्मेंस जैसे भैया बता रहे हैं ना बहुत बढ़िया है और, और तो भी जब भगाते हैं ना हाँ तो ऐसे लगता है कि मतलब जम के स्टेबिलिटी है बहुत आराम से अच्छा और माइलेज वगैरह कितना दे देती है हाईवे पे चौदह चौदह साढ़े चौदह चौदह हाईवे पे चौदह साढ़े चौदह तो थोड़ा सा माइलेज कम है इसका है ना जितने बड़ी है उसके हिसाब से मुझे तो हाँ ये भी कह सकते हैं आप सेवन सीटर है तो भाई ठीक है और मेन बात अब जिसको है जिसको परफॉर्मेंस चाहिए वो माइलेज वगैरह नहीं देखता है ना और इसके वाइपर भी थोड़ा अलग सिस्टम से दिए हुए हैं दोनों साइड में चलते हैं हाँ ये यार कुछ अलग है जो मैंने देखा में चलते है एक थी, एक थी में नहीं चलते। वो दोनों साइड चलते, चलते हैं, हैं।, हैं। ओके तो ये कुछ अच्छा भी लगता होगा देखने में हाँ। बाकी सनरूफ वगैरह नहीं है ना इसमें नहीं, उस नहीं था। अच्छा इसके टॉप मॉडल में भी नहीं है मतलब ये थोड़ा सा मिसिंग पार्ट है इसका है न बाकी गाड़ी तो यार बढ़िया लग रही है अब देखो लुक भी अब जैसे ये तब लॉन्च हुई हुई थी ना तो काफी हल्ला हुआ था इस गाड़ी का जिसको सामने से ब्रॉड लुक देख लो कितना प्यारा आ रहा है ना और इसकी साइड प्रोफाइल भी देख लो अलग ही थोड़ा थोड़ा सा जैसे कह सकते हैं एक्सवी फाइव डबलो को टक्कर देने वाली गाड़ी थी ये एक तरीके से जैसा इसका लुक है है ना और गाड़ी भाई ओवरऑल बढ़िया है अब चलो जैसे भैया इसके नेगेटिव तो आप बताना चाहोगे नहीं एक बार इसके तीन चार मुझे पॉजिटिव बताओ लॉन्ग ड्राइव में चले जाओ ड्राइवर को कोई दिक्कत नहीं ओके okay. सीटिंग कम्फर्ट बहुत बढ़िया ओके okay. चलाने के लिए तेज चलाने के बाद ब्रेक भी मारेंगे तो हिलेगी नहीं अच्छा हिलेगी नहीं हिलेगी नहीं ठीक है रुकेगी ओके स्कीट नहीं होगी स्कीट नहीं होगी बिल्कुल भी हाँ और फीचर्स इतने दे दिए गए हैं हाँ और दूसरा म्यूजिक सिस्टम हाँ। आपको बाहर से कुछ कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अच्छा अच्छा जैसे मैं अब कहूँ ना रिकमेंड की बात तो यहाँ पे खत्म ही हो जाती है हाँ। है ना क्योंकि गाड़ी हो गई है डिसकंटिन्यू रिकमेंडेशन इस गाड़ी का बनता नहीं है अभी फिलहाल है ना अच्छा अभिषेक भाई जैसे पॉजिटिव तो बता दिया भाई ऐसा तो है नहीं गाड़ी में आपको कुछ भी कमी ना लगी एक आध तो नेगेटिव होगा पॉइंट कमी ये है जो चलाने वाला उसको ये प्रॉपर नजर नहीं आता बोनट विजिबल नहीं बस ये कमी है अगर ये थोड़ा सा एक इंच और ऊंचा हो जाए हाँ तो फिर पब्लिक कोई दूसरी गाड़ी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी अच्छा मतलब एक विजिबिलिटी की प्रॉब्लम है बाकी आप गाड़ी से कम्प्लीट संतुष्ट हो अच्छा चलो भाई जैसे भैया बता रहे गाड़ी से ये कंप्लीट संतुष्ट हैं और जैसे माइलेज हो गया परफॉर्मेंस हो गई सीटिंग कंफर्ट हो गया और गाड़ी की स्टेबिलिटी हो गई हैंडलिंग हो गई तो सारी चीजें भैया को अच्छी लगती है डिसकंटिन्यू कर दिए वो बात हमें समझ नहीं भैया के हिसाब से इसलिए डिस्कंटिन्यू करिए क्योंकि हेरियर को इन्होंने लॉन्च किया हेरियर को इन्हें उठाना था और बाकी उसके बाद सफारी भी आ गई थी उस टाइम पे जब ये लॉन्च हुई थी ना हाँ की हाँ पब्लिक हैरियर की तरफ जाती थी हाँ। तो उसी रेंज में उनको ये गाड़ी भी मिलती थी फिर वो इसको लेते थे अच्छा ये गाड़ी तो बिक रही है उन्होंने हैरियर नई गाड़ी निकाली है हाँ। करते। तो ये था भाई आज की वीडियो में हमने बात की अभिषेक भाई से थैंक यू सो मच अभिषेक भाई अपना टाइम निकालने के लिए और काफी अच्छा लगा आपसे बात करके तो भाई वैसे अगर किसी और को भी अपनी गाड़ी का एक्सपीरियंस शेयर करना है अपनी गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू देना है तो भाई नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना मेरी मेल आई डी आप उस पर मेल कर सकते हो बाकी इंस्टाग्राम पर आप डीएम कर सकते हो मुझे अपनी गाड़ी अपने मतलब आप मैसेज डाल सकते हो फिर भाई हम मिलेंगे और बाकी आपकी जो गाड़ी का एक्सपीरियंस है वो शेयर करेंगे अगर आप करना चाहते हो तो तो भाई यही था आज की वीडियो में मैंने आपको बताया Hexa का एक ओनरशिप एक्सपीरियंस जिसमें उन्होंने अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर किया चलाने के बाद उन्हें कैसी ये गाड़ी लगी है क्या इसकी परफॉर्मेंस है और क्या मतलब कैसी स्टेबिलिटी है और क्या माइलेज देती है कितने में उनको पड़ी थी तो भाई डिसकंटिन्यू कर दी है तो हमें कुछ समझ नहीं आया क्यों कर दी और बाकी चलो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं थैंक यू सो मच फॉर बींगेर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई गाड़ी के साथ बाय